हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो ये ही ट्रीटमेंट सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में बताया था। ट्रिपल टी कर्व के बारे में मैंने सब कुछ उस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है ना। तो उस वीडियो को अगर आप हो सके तो पहले देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस यहाँ के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ही ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। एक तो आपका ट्रिपल टी डायग्राम हो गया, दूसरा आपका हो गया आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर आप दोनों के विषय में बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम के लिए भी मैंने वीडियोस बना के रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता क्या है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप, हीटिंग, सोकिंग एंड कूलिंग, ठीक है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब बात आती है कि हम हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं ताकि जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर सकें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकें, ठीक है। देखिए, बेसिकली दो मेथड्स होते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज करने का, ठीक है। पहला स्टेप होता है अलॉयिंग एडिशन, ठीक है। तो अलॉय आप जैसा डालोगे उस टाइप की प्रॉपर्टी आपको मेटल में मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट एक अलग ही आपका बोल सकते हो टॉपिक है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। तो एक होता है अलॉइंग, दूसरा होता है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अलॉइंग तो आपको स्टील मेकिंग के टाइम पे ही कर लेना है कि आपको कैसा स्टील चाहिए, उस हिसाब से आप अलॉइंग वहाँ पे करोगे, ठीक है। उसके बाद मेटल जब बन जाता है तब हम करते हैं हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये दो मैथड है जिसके थ्रू हम मेटल की प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन किस जगह पर यूज़ हो रहा है, आपको वहाँ पर क्या प्रॉपर्टी चाहिए है ना, उस हिसाब से हम मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं दो मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, हीटिंग, सुकिंग और कूलिंग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका हीट ट्रीटमेंट। तो हीट हम कब तक करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वहाँ तक हम मेटल को हीट करते हैं, फिर हम उसको होल्ड करते हैं, उसको होल्डिंग या सुकिंग बोलते हैं। उस टेम्परेचर में आपको कुछ समय तक होल्ड करके रखना है ताकि होमोजीनियस स्ट्रक्चर आपको मिल सके। फिर आप क्या करते हो, उसका कूलिंग करते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग अलग अलग हीट ट्रीटमेंट में आपका अलग अलग होता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, पहला एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है एनीलिंग, ठीक है, एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट। तो एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट में हम कूलिंग कैसे करते हैं, कूलिंग बहुत स्लो करते हैं, यहाँ पे स्लो कूलिंग होता है, ठीक है। इसको हम फर्नेस कूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करना रहता है कि फर्नेस में हम मेटल को गर्म कर दिए, फिर उसको होल्ड किए उस टेम्परेचर में, फिर फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फर्नेस स्विच ऑफ कर दिया मतलब फर्नेस धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसके साथ साथ आपका मेटल भी धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ऐसे होता है एनीलिंग प्रोसेस, बहुत स्लो कूलिंग होता है। दूसरा क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, हम एयर कूलिंग करते हैं, ठीक है। हम गर्म करेंगे फर्नेस में, लेकिन ठंडा करने के लिए हम फर्नेस के उससे बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो एटमॉस्फेयर में कूल होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट है एज कम्पेयर टू एनीलिंग, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो होता है हार्डनिंग, ठीक है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सीधा मेटल को गर्म करते हैं फर्नेस में, ठीक है, होल्ड करते हैं, उसके बाद सीधा उसमें उसको वाटर क्वांचिंग कर देते हैं या ऑयल क्वांचिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत फास्ट रेट से कूल कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्टेनसाइट मिल जाता है और मेटल हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कूलिंग के बेसिस पे हम तीन टाइप के हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सीधे हीट ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। अभी मैंने बता दिया तीनों हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो हीट ट्रीटमेंट है ना, बेसिकली अगर बोला जाए तो मेजर दो टाइप के होते हैं हीट ट्रीटमेंट। एक होता है बल्क हीट ट्रीटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया ना, एनहेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग, इसको बल्क हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे मेटल का एक साथ आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ये मेटल को कोई पार्ट है, तो जब आप एनहेलिंग करोगे तो जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज, वो पूरे मेटल में होगा, है ना, कोर में, सेंटर में, हर जगह। इसको बल्क हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो एनहेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग, ये सब इसी के अंडर आता है। एक और होता है सरफेस ट्रीटमेंट, है ना, सरफेस हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, केवल मेटल के सरफेस को हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। सेंटर की प्रॉपर्टी अलग होती है और सरफेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो इसको बोलते हैं सरफेस हीट ट्रीटमेंट। सबको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो बल्क हीट ट्रीटमेंट में क्या आता है, पहला एनहेलिंग आता है, ठीक है। तो एनहेलिंग अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फुल एनहेलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनहेलिंग, स्ट्रेस लिफ्ट एनहेलिंग और इंसोराडाइजिंग एनहेलिंग। ये एनहेलिंग के इतने टाइप्स है। फिर आता है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग के एक्चुअल में कोई और टाइप नहीं है, ये एक ही होता है, ठीक है। फिर आता है हार्डनिंग और टेम्परिंग, ठीक है। हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं, इसके अलावा मार्ट टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग भी करते हैं, ठीक है। वही सरफेस ट्रीटमेंट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है थर्मल
थर्मल में फ्लेम, इंडक्शन, लेज़र और इलेक्ट्रॉन बीम आते हैं, ठीक है। और एक होता है थर्मोकेमिकल, तो थर्मोकेमिकल में कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है और कार्बोनाइट्राइडिंग है, ये सारी चीज़ें आती है। सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम केवल एनिलिंग के बारे में और नॉर्मलाइजिंग के बारे में जानेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग को, ठीक है। हार्डनिंग वाले को पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, ये आयरन कार्बन डायग्राम का नीचे का पार्ट है, ठीक है। इधर आपका टेम्परेचर दिया गया है, इधर आपका कार्बन कंपोजिशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना ये जो डायग्राम है वो टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको फुल एनिलिंग करना है ना, तो आपको ये टेम्परेचर रेंज लेना पड़ेगा। ऐसे देख सकते हो आप, फुल एनिलिंग अगर आपको करना है तो, अगर हाइपोयूटेक्टाइड स्टील है, मतलब ये वाला स्टील है 0.8% से कम कार्बन है, तो उस केस में आप जब आप फुल एनिलिंग करोगे ना, तो टेम्परेचर कितना होगा, ये जो A3 लाइन है ना उसके 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ये जो A3 लाइन है ना इसके 50 डिग्री सेल्सियस एबो में आप क्या करोगे, एनहेलिंग करोगे, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज होगा। और वही अगर हाइपर यूटेक्टॉड स्टील हुआ, तो अगर हाइपर यूटेक्टॉड स्टील हुआ 0.8% से ज़्यादा कार्बन हुआ, तो फुल एनहेलिंग का टेम्परेचर कितना लगना है, जो A1 लाइन है ना उसके 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखना है आपको, ठीक है। देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जब हम फुल एनहेलिंग करते हैं ना तो बहुत स्लो कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो जब आप एकदम स्लो कूलिंग करोगे और मेटल के अंदर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे हाइपर यूटेक्टॉड में ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होता है ना, सीमेंट टाइट जो है ना ग्रेन बाउंड्रीज पे आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। ग्रेन बाउंड्रीज पे आके जितना भी सीमेंट टाइट बनेगा ना वो इकट्ठा हो जाएगा, इसको सीमेंट टाइट नेटवर्क बोलते हैं। तो ये ग्रेन बाउंड्री को वीक कर देता है, ठीक है। तो ग्रेन बाउंड्री वीक मतलब आपका पूरा मेटल जो है वो वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। इसलिए टेम्परेचर फुल एनिलिंग के केस में हम कितना रखते हैं, A1 लाइन के 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फुल एनिलिंग में बहुत स्लो कूलिंग करते हैं। तो स्लो कूलिंग में क्या होता है, सेग्रीगेशन का टाइम मिल जाता है, सीमेंट टाइट आपका ग्रेन बाउंड्रीज पे सेग्रीगेट हो जाते हैं, इसलिए हमको टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एनिलिंग और कितना टाइप का होता है, स्ट्रेस लीफ एनिलिंग। तो स्ट्रेस लीफ एनिलिंग आपका लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर रेंज है। इसके अलावा फिर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग, ये आपका लगभग होता है 500 से 600 के आसपास, 600 से लगभग 700 तक, ये आपका क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनिलिंग होता है। और आपका जो स्फोरडाइजिंग एनिलिंग होता है वो 700 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये इसका टेम्परेचर रेंज यहाँ पे बता रहा है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग हम करते हैं थोड़ा हाई टेम्परेचर में, जैसे फुल एनिलिंग का रेंज क्या था, ये 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर था A3 लाइन के। तो जब आप नॉर्मलाइजिंग करोगे ना तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस एबो है ना, A3 लाइन के 100 डिग्री सेल्सियस एबो आप इसको हीट करोगे मेटल को, ठीक है। और अगर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील हुआ, तो आप जो ACM लाइन है ना, ये वाली जो ACM लाइन है, इसके लगभग 50 डिग्री सेल्सियस आप ऊपर गर्म करोगे नॉर्मलाइजिंग के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हम नॉर्मलाइजिंग के केस में क्यों ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर रहे हैं हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील को। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइजिंग में थोड़ा सा फास्ट कूलिंग होता है ना, एयर कूलिंग मतलब थोड़ा फास्ट है एनहेलिंग के कंपेयर में। तो यहाँ पे जो है ना आपका सीमेंटाइट नेटवर्क नहीं बन पाता है, ठीक है, फास्ट कूल कर रहे हैं इसलिए। तो इसलिए नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा आप हाई रख सकते हो ACM के ऊपर, लेकिन एनहेलिंग के केस में आपको A1 के ऊपर रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम एनहेलिंग हीट ट्रीटमेंट को ना अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि एनहेलिंग हीट ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया फुल एनहेलिंग का, जो मैंने अभी आपको बताया फुल एनहेलिंग के बारे में, कि हम हाई टेम्परेचर में क्यों गर्म नहीं करते फुल एनहेलिंग के केस में, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनहेलिंग होता है। तो जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन एनहेलिंग करते हैं ना, तो नए ग्रेन्स बनते हैं, न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स, ठीक है। स्ट्रेस लीफ एनहेलिंग में क्या होता है, जो इंटरनल जो स्ट्रेसेस होते हैं ना मेटल में, इंटरनल स्ट्रेस कैसे जनरेट हो जाता है, जब आप डिफरेंशियल कूलिंग करते हो, मतलब मेटल को गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिए, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप मशीनिंग करते हो या कोल्ड वर्किंग करते हो ना, तो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है, फिर वेल्डिंग से या मार्टेसाइट फॉर्मेशन से। तो इन सब से क्या होता है, स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस मेटल के अंदर जनरेट हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लीफ एनहेलिंग करते हैं, ठीक है। और जो स्फोरडाइजेशन ये जो करते हैं ना, स्फोरडाइजेशन एनहेलिंग जो करते हैं
हम जनरली हाई कार्बन स्टील का करते हैं, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील में आपको पता है कि सीमेंटाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो सीमेंटाइट का ही इस्फोराइट बनाने के लिए, मतलब ऐसे गोल सीमेंटाइट बनाने के लिए हम ये सब ये वाला एनिलिंग करते हैं, इस्फोराइजेशन एनिलिंग। तो इससे जो हाई कार्बन स्टील है ना वो थोड़ा सा डक्टाइल बन जाता है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, तो उसमें मशीनिंग करना आसान होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पीपीटी में, इसमें हम पढ़ेंगे रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में ये जो है ना, ये तीन जो स्टेप है वो एनहेलिंग के ही स्टेजेस हैं। जब हम एनहेलिंग प्रोसेस करते हैं ना, जब हम फुल एनहेलिंग जब करते हैं मेटल को, जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, रिकवरी स्टेज होता है। जब आप शुरू के लगभग 400 से 500 डिग्री सेल्सियस हीट करोगे ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, रिकवरी होता है मेटल में। उसके बाद और आप गर्म कर रहे हो तो 500 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद और आप हीट करते जा रहे हो तो 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ होता है, ठीक है। तो रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ जो है वो एनहेलिंग की ही स्टेजेस है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, एनहेलिंग से पहले कौन सा प्रोसेस होता है, एनहेलिंग से पहले होता है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। जनरली जब कोल्ड वर्किंग किया जाता है ना, तो मेटल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो पहले कोल्ड वर्किंग का इफेक्ट जान लेते हैं, फिर हम एनहेलिंग का इफेक्ट जानेंगे। तो जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो देखो, मेटल में ओरिजिनल इस तरह का आपका ग्रेन्स रहेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको कोल्ड वर्किंग करते हो, कोल्ड वर्किंग मतलब मान लीजिए आप रोलिंग या फोर्जिंग कर रहे हो कोल्ड कंडीशन में, ठीक है, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप कर रहे हो रोलिंग या फोर्जिंग, तो ग्रेन्स ना इस तरीके से इलांगेटेड हो जाता है, ऐसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्किंग करने से इस तरीके स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। अब देखिए, जब हम कोल्ड वर्किंग जब करते हैं ना, तो पॉइंट डिफेक्ट की डेंसिटी बढ़ जाती है और डिसलोकेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मेटल के अंदर में। तो इससे क्या होता है ना, मेटल के अंदर इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेस क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि जो 10% जो आप एनर्जी दे रहे हो, 10% जो आप एनर्जी दे रहे हो कोल्ड वर्किंग के लिए, वो एनर्जी क्या है ना, मेटल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मेटल है, इस मेटल की आप क्या कर रहे हो, कोल्ड रोलिंग कर रहे हो, तो कोल्ड रोलिंग के लिए मान लो आपने 100% कुछ एनर्जी दिया, तो उसका जो 10% जो एनर्जी होगा ना, वो इस मेटल के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना, एज ए इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है, या बोल सकते हो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती है ना, वो मेटल की क्वालिटी को बहुत ख़राब करता है। कैसे ख़राब करता है, जितना ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेस होगा मेटल के अंदर, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, उसका जो ब्रिटलनेस है ना वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। मेटल के अंदर ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेस हुआ तो क्या होगा, एक तो वो उसमें ब्रिटलनेस आ जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, उसमें स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग के चांस होंगे। स्ट्रेस कोरोजन मतलब मेटल में जितना ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेस होगा ना, उसमें उतना ही ज़्यादा कोरोजन लगता है, ठीक है, तो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, उसमें अब कोरोजन जल्दी लग सकता है। तीसरा इसमें ड्रॉबैक क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल की, वो बहुत ड्रॉप हो जाती है इंटरनल स्ट्रेसेस के कारण, ठीक है। तो ये इंटरनल स्ट्रेस को आपको क्या करना है भाई, दूर करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोल्ड वर्किंग करके सीधा आप मेटल को यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे उसमें इंटरनल स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। अब देखो, मेटल की प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो देखिए, जब आप कोल्ड वर्किंग करते हो, जैसे यहाँ पे 0, 10, 20 ये क्या बता रहा है, कोल्ड वर्किंग के अमाउंट को बता रहा है। तो जैसे आप कोल्ड वर्किंग करते हो ना, मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाता है मेटल का, तो कोल्ड वर्किंग से मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ता है और हार्डनेस बढ़ता है, ठीक है। लेकिन डक्टिलिटी आपकी क्या हो जा रही है भाई, कम हो जा रही है। देखो, पहले 70 था, 52 हो गया, 35, 20, तो कोल्ड वर्किंग करने से स्ट्रेंथ हार्डनेस बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यही सब इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एनहेलिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कोल्ड वर्किंग से क्या क्या होता है, कोल्ड वर्किंग से आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। देखो, हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, लेकिन डक्टिलिटी क्या हो रही है आपकी, घट रही है, ठीक है। मेटल क्या हो रहा है, ब्रिटल हो रहा है, और उसके माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहे हैं, पहले माइक्रोस्ट्रक्चर ऐसे था ओरिजिनल, है ना, यूनिफॉर्म शेप का, लेकिन जब आप कोल्ड वर्किंग करते हो तो ऐसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं, है ना। तो अब कोल्ड वर्किंग से क्या होगा भाई, मेटल की क्वालिटी ख़राब हो गई। अब आपको क्या करना है, मेटल की क्वालिटी को फिर अच्छा करना है, उसकी डक्टिलिटी को फिर आपको बढ़ाना है, ठीक है, टफनेस बढ़ाना है, ब्रिटलनेस कम करना है, तब हम क्या करते हैं, एनहेलिंग करते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्किंग के बाद आप कौन सा प्रोसेस करते हो, एनहेलिंग करते हो, ठीक है।
तो एनिलिंग में क्या होता है, तीन स्टेज होता है। कोल्ड वर्किंग के बाद आप क्या कर रहे हो, एनिलिंग कर रहे हो। तो एनिलिंग कर रहे हो तो आप मेटल को जब गर्म करोगे ना, तो तीन स्टेज होगा। पहला होगा रिकवरी स्टेज, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन, फिर क्या होगा ग्रेन ग्रोथ। तो इसको एक एक करके समझते हैं। ये यहाँ पे फिर वही चीज़ बता रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ता है कोल्ड वर्किंग से, हार्डनेस बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है और डक्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनिलिंग करना पड़ेगा और मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा। तो पहला स्टेज क्या होगा भाई, जब आप मेटल को जब आप हीट करोगे ना, तो पहला स्टेज क्या होगा, रिकवरी। जब आप शुरू के 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में मेटल को हीट करते हो ना, तब ये प्रोसेस होता है रिकवरी का। ठीक है, देखो फुल एनिलिंग में आपको पता है, फुल एनिलिंग में हम कब तक गर्म कर रहे हो भाई मेटल को, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो 800 डिग्री सेल्सियस तक हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगे मेटल के अंदर में। ठीक है, तो अभी हम क्या जान रहे हैं कि शुरू से 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में क्या चेंज आएंगे मेटल में। ठीक है, तो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में होता है आपका रिकवरी प्रोसेस। देखिए रिकवरी प्रोसेस में आपका मेन क्या होता है, आपका माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड ही रहेंगे, उसका जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस और डक्टिलिटी है, तीनों में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रिकवरी स्टेज में केवल और केवल क्या होगा, जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो जनरेट हुए हैं ना मेटल में, है ना, जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो गया है कोल्ड वर्किंग के कारण, ये इंटरनल स्ट्रेस क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, रिकवरी के टाइम पे ये इंटरनल स्ट्रेस क्या होगा, रिमूव होगा। या बोल सकते हो जो एनर्जी जो स्टोर हो गई थी मेटल में, 10% एनर्जी जो स्टोर हो गई थी, वो आपका क्या होगा, रिकवरी स्टेज में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रेस दूर होने से आपकी जो प्रॉपर्टी थी ना, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कोरोजन का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और जो ब्रिटलनेस का प्रॉब्लम है, वो आपका मेटल से दूर हो जाएगा रिकवरी स्टेज में। और क्या क्या होगा रिकवरी स्टेज में, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया कि रिकवरी लो टेम्परेचर में होता है, लो टेम्परेचर है ना, एलिंग के लो टेम्परेचर में होता है। ठीक है, माइक्रोस्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं इसमें, इस रिकवरी स्टेज में। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या होता है, जो डिसलोकेशन जो होता है ना, है ना, एक पॉजिटिव डिसलोकेशन और नेगेटिव डिसलोकेशन, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं। जैसे ये मान लीजिए पॉजिटिव डिसलोकेशन है और ये आपका नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ डिसलोकेशन। तो ये कब होता है, रिकवरी स्टेज में होता है। ठीक है, समझ में आ गया रिकवरी का। अब देखते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो जब हम मेटल को अब हीट करते हैं आगे, तो जब टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 700 750 तक, तब स्टील में क्या होता है आपका, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, अब ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है ना, जिस टेम्परेचर में आपका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे उसके मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है मेटल के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टील की बात कर रहा हूँ, 700 से 750 में इसका क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है स्टील का। अब देखिए रिक्रिस्टलाइजेशन के समय क्या होता है, आपके नए स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक, ये कोल्ड वर्किंग से आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसे इलोंगेटेड हो गया है ना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन के समय पे क्या होगा, नए जो ग्रेन्स हैं, नए न्यूक्लियाई बनने चालू होंगे, ग्रेन बाउंड्री से क्या होगा, नया न्यूक्लियाई बनना चालू होगा। ठीक है, ये नया न्यूक्लियाई बनेगा और ये जो नया न्यूक्लियाई है ना, कम्प्लीटली क्या होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। मतलब इसमें कोई इंटरनल स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रेस फ्री नए न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, अब यही न्यूक्लियाई क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ठीक है, यही न्यूक्लियाई क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और जो पुराना जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा किस में बदल जाएगा भाई, नए स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स में बदल जाएगा। जैसे ओरिजिनल था ना कोल्ड वर्किंग के पहले, वैसा ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स फॉर्म होता है रिक्रिस्टलाइजेशन के समय में। ठीक है, क्योंकि नाम से आपको देखो पता चल रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब नया क्रिस्टल बन रहा है आपका। ठीक है, मेटल का कंपोजिशन तो वही है, बट माइक्रोस्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एकदम स्ट्रेस फ्री बन रहा है, स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन के समय ये होता है। अब रिक्रिस्टलाइजेशन के समय में प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या क्या चेंजेस आती है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेंथ है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है, वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, रिकवरी के समय में ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री ग्रेन जब बनते हैं ना, तो जो स्ट्रेन हार्डनिंग जो इफेक्ट रहता था वो ख़त्म हो जाता है ना। तो स्ट्रेस फ्री ग्रेन बनने से ये प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाता है, लेकिन जो डक्टिलिटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज में।
अब रीक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर है ना उसका एक डिफिनेशन है, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर एट विच ए हाईली कोल्ड वर्कड मटेरियल रीक्रिस्टलाइजेस अप टू 15% इन 1 आवर। मतलब किसी मेटल के लिए रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें वो मेटल 50% रीक्रिस्टलाइज हो जाए एक घंटे के अंदर। ठीक है, एक घंटे के अंदर अगर 15% रीक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो वो जो टेम्परेचर होगा उसको उस मेटल का क्या बोलेंगे, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और जान लेते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो जो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना जनरली वो उसके मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है मेटल के, ये जनरली 30-50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी मेटल का। जो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 30-50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आपका अगर प्योर आयरन है तो प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई, इसका 1539 है। ठीक है, तो उसका 30-50% मतलब मान सकते हो कि 500 से लेके 800 या 700 डिग्री सेल्सियस जो है इसका क्या होगा, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा। ठीक है, किसका, प्योर आयरन का, है ना। तो वैसे ही अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, और भी बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, उसको भी देख लेंगे। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम ये आपका रीक्रिस्टलाइजेशन को बता रहा है। देखो ये वाला डायग्राम में इधर देखो, ये आपका कोल्ड वर्कड वाला पार्ट है जिसमें कोल्ड वर्किंग हुआ है जो इलांगेटेड है, इसमें देखो डिसलोकेशन की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये वाला जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, नया क्रिस्टल है, न्यू स्ट्रेस फ्री है, है ना। तो ये न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन क्या करता है, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा और जो इलांगेटेड ग्रेन है ना उसको अपने अंदर लेके उसको क्या बनाता जाएगा, स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बनाते जाएगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूक्लियाई है वो क्या करता है, ग्रो करता है। अब ये जो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है देखो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला तो डिपेंड करता है डिफॉर्मेशन पे। देखो जितना ज़्यादा आप डिफॉर्मेशन करोगे, जितना ज़्यादा कोल्ड वर्किंग करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टोर एनर्जी होगा, है ना। जो एनर्जी जो स्टोर हो रही है उतना ही ज़्यादा होगी अगर आप जितना कोल्ड वर्किंग करोगे। ठीक है, तो वो जो एनर्जी जो स्टोर होती है ना मेटल में, वही जो है ना रीक्रिस्टलाइजेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। मतलब रीक्रिस्टलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डिफॉर्मेशन करोगे ना उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगी मतलब टेम्परेचर आपको कम लगेगा रीक्रिस्टलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा अगर डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो। सेकेंड क्या है, इनिशियल ग्रेन साइज। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो नए स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बनते हैं ना वो ग्रेन बाउंड्रीज से ही बनना चालू होते हैं। जो ग्रेन बाउंड्रीज होते हैं ना वहीं से नए ग्रेन्स बनते हैं। तो अगर ग्रेन बाउंड्री जितना ज़्यादा होगा, ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होगा मतलब ग्रेन साइज छोटा होगा तभी ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेन बाउंड्री जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा न्यूक्लिएशन होगा, नए क्रिस्टल उतने ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और जल्दी से बनेंगे तो आपका टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेन साइज अगर ज़्यादा है, ग्रेन साइज अगर छोटा है, ग्रेन छोटा है तो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हाई कोल्ड वर्क और लो इनिशियल ग्रेन साइज दोनों से आपका ग्रेन साइज छोटा बनता है। ठीक है, और रेट ऑफ रीक्रिस्टलाइजेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कितना जल्दी कोई मेटल रीक्रिस्टलाइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा ना तो रीक्रिस्टलाइजेशन रेट भी फास्ट होगा, मतलब मेटल जल्दी से रीक्रिस्टलाइज होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा ना तो रीक्रिस्टलाइजेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीक्रिस्टलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए भाई, थर्मल एनर्जी चाहिए। तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा थर्मल एनर्जी, तो जल्दी से होगा आपका रीक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर जब आप रीक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि रीक्रिस्टलाइजेशन के समय में ना स्ट्रेंथ में एकदम ड्रॉप ना आए, है ना, स्ट्रेंथ एकदम से कम ना हो जाए, स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ एकदम ज़्यादा ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ अलॉइंग एडिशन कर सकते हो मेटल में, स्टील में। तो अलॉइंग एडिशन करोगे तो क्या होता है ना, ये अलॉइंग एलिमेंट जो ना ग्रेन बाउंड्री पर जाता है और ये ग्रेन बाउंड्री को पकड़ के रखता है। जो सॉल्यूट एटम है, बाहर का इंप्यूरिटी एटम है, ये क्या करता है, इस ग्रेन को जो है वो ग्रो नहीं होने देता है। ठीक है, तो ग्रेन ग्रोथ अगर कम होगा तो मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो बना रहेगा। ठीक है,
या सेकेंड फेज पार्टिकल्स का भी यूज़ करते हैं ग्रेन बाउंड्री को ग्रो होने से रोकने के लिए। देखिए अब लास्ट स्टेज आपका होता है ग्रेन ग्रोथ का। अब आप क्या कर रहे हो, मेटल को हीट किए जा रहे हो, ठीक है, और हीट किए जा रहे हो, आपका रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, लगभग 700 750 तक आपका क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप मेटल को और हीट करते जा रहे हो 800-900 तक, है ना, और आप क्या कर रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो, एनहेलिंग में तो बहुत टाइम देना पड़ता है, स्लो कूलिंग करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा दिए हो और टाइम ज़्यादा दे रहे हो, तो इसमें फिर क्या चालू होता है, ग्रेन ग्रोथ चालू हो जाता है, ठीक है। ग्रेन ग्रोथ कैसे चालू होगा, देखो भाई मान लीजिए ये आपका ग्रेन्स है ऐसे, ठीक है, ये ग्रेन है, तो आप इसको टेम्परेचर दिए जा रहे हो और टाइम भी है इसके पास, तो ये क्या करेगा, कोई जो ग्रेन होगा, जो पावरफुल ग्रेन होगा, जैसे मान लीजिए ये ग्रेन ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा भाई, आसपास के ग्रेन्स के जगह को हथियाने लगेगा, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए ये कंट्री है, ये आसपास के देश को हमला करके क्या कर रहा है, उसको अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ग्रेन क्या करेगा भाई, अपने आप को ग्रो करेगा और आसपास के ग्रेन्स को कंज्यूम करके अपने अंदर मिलाने लगेगा, मतलब ऐसे क्या करेगा, ये ग्रो होगा, ठीक है, तो जो पावरफुल ग्रेन होगा ना वो ग्रो होना चालू हो जाएगा, ठीक है, है ना। कब चालू होगा, जब आप हाई टेम्परेचर दोगे और ज़्यादा टाइम तक उसको मेटल को उस टेम्परेचर में रखोगे, तो इस तरह से ग्रेन ग्रोथ होता है, है ना। और आपको पता है कि ग्रेन्स का साइज़ अगर बड़ा हो, है ना, ग्रेन का साइज़ अगर बड़ा होता है ना, तो स्ट्रेंथ आपका मेटल का कम हो जाता है, ठीक है, ग्रेन्स अगर छोटा हो तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दिया, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ, ठीक है। अब थोड़ा सा इस छोटे से ग्राफ से और समझ लो, एकदम ब्रीफ में, बहुत अच्छा ग्राफ है ये। ये आपको क्या बता रहा है, ये वाला लाइन आपको बता रहा है स्ट्रेंथ, हार्डनेस और डक्टिलिटी को, ये लाइन बता रहा है, और ये आपको क्या बता रहा है, ये आपका तीनों स्टेज को बता रहा है, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ को, ठीक है। अब देखिए ये पहला स्टेज है रिकवरी का स्टेज, जब आप इनहेलिंग करते हो, तो देखिए रिकवरी स्टेज में आपका जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है ना, वो आपका लगभग सेम है, मतलब रिकवरी के टाइम पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था केवल इंटरनल स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है, तो रिकवरी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ना ही डक्टिलिटी में ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लेकिन जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, सेकेंड स्टेज होता है, उस समय देखो ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस अचानक से एकदम ड्रॉप हो जा रहा है ऐसे। आपको क्यों ये चीज़ ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि नए ग्रेन्स बन रहे हैं, स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है, इसके कारण ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस अचानक से एकदम ड्रॉप हो जाते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज में, ठीक है। और वहीं जो डक्टिलिटी ये वाला देखो, ये जो डक्टिलिटी वो अचानक से ऊपर जा रहा है, मतलब मेटल की डक्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, मतलब मेटल सॉफ्ट हो रहा है, ये होता है। और उसके बाद और आप गर्म किए जा रहे हो, मतलब ग्रेन ग्रोथ हो रहा है, तो उसके बाद फर्दर आपको स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या होता है, ड्रॉप होता है ग्रेन ग्रोथ होने से, ठीक है, और डक्टिलिटी जो है वो और बढ़ती है ग्रेन ग्रोथ के कारण, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेटल को कितना सॉफ्ट बनाना है, कितना डक्टाइल बनाना है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, एनहेलिंग करोगे, और उस हिसाब से आप उसको टाइम दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो माइक्रोस्ट्रक्चर में देखो क्या भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे माइक्रोस्ट्रक्चर में रिकवरी के समय में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ये रिकवरी टाइप तक का स्टेज है, इसमें ग्रेन्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में पहुँचता है, देखो नए ग्रेन्स बनना चालू हो जाते हैं, जो आपको ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं छोटा छोटा, वो आपको क्या है, छोटे छोटे न्यू ग्रेन्स आपका न्यूक्लियाई बन रहे हैं, है ना। फिर वही जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई है ना वो ग्रो करता है ना, ये देखो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई है वो आपको क्या कर रहा है भाई, ग्रो कर रहा है, नया जो स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखो जब रिक्रिस्टलाइजेशन कम्प्लीट हो गया, तो देखो पूरे नए ग्रेन्स बन गए, है ना, नए पूरे स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स बन गए, ठीक है। पहले क्या था, ऐसा इलोंगेटेड था, अब वो कैसा बन गया, पूरा नए यूनिफॉर्म ग्रेन्स बन गए इस तरीके से, ठीक है। और जब आप ग्रेन ग्रोथ होता है, तो देखो यहाँ पे ग्रेन ग्रोथ हो गया है, तो ग्रेन ग्रोथ कैसे होता है, जैसे मैंने बताया ना, कोई ग्रेन्स जो होते हैं, जो पावरफुल ग्रेन्स होते हैं, वो आसपास के ग्रेन्स को अपने अंदर मिला के बड़े हो जाते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेन ग्रोथ हो गया। फर्दर आप हीट किए जा रहे हो, तो फिर से ग्रेन ग्रोथ हो गया, तो जितना आप हीट करते जाओगे ना, जितना टाइम देते जाओगे, ग्रेन उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी डक्टिलिटी चाहिए, उस हिसाब से आप उसमें मेटल को हीट करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया एनहेलिंग के बारे में, शुरू से लेकर आखिरी तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा फेजेस जो है वो फेज कैसे चेंज होता है, जब आप मेटल को जब आप गर्म करते हो ना हीट ट्रीटमेंट के समय में, तो फेजेस में क्या चेंजेस आते हैं। देखो एनहेलिंग के टाइम पे आप क्या कर रहे हो भाई, पहले मेटल जो है रूम टेम्परेचर में था,
ठीक है, मेटल किस में था, रूम टेम्परेचर में था। अब आप उसको हीट कर रहे हो भाई, कब तक कर रहे हो, A3 लाइन के ऊपर। तो A3 लाइन के ऊपर आपको क्या मिल रहा है भाई, कौन सा फेज़ मिलता है, ऑस्टेनाइट मिलता है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर में कौन सा फेज़ होता है, तो इसमें होता है आपका फेराइट और सीमेंटाइट फेज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, फेराइट और सीमेंटाइट। तो जब आप हीट ट्रीटमेंट के टाइम इसको गर्म करते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्टीमेटली ऑस्टेनाइट फेज़ मिलता है ना, वही फिर ऑस्टेनाइट फेज़ बाद में किसी और फेज़ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब आप मेटल को गर्म करते हो ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक, ठीक है, तो देखो फेज चेंज कैसे होता है, कैसे आपका फेराइट सीमेंटाइट से ऑस्टेनाइट बनता है। तो यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर ज़ूम करो पहले, इस पोर्शन पे पहले ज़ूम करो, इस वाले डायग्राम पहले ज़ूम करो। इसमें आपको क्या दिख रहा है, बीच में आपका ये जो गोल, छोटा सा गोल दिख रहा है ना, वो आपका क्या है, वो सीमेंटाइट है, ठीक है। और जो बाकी एरिया जो दिख रहा है इसमें, ये आपका फेराइट है, ठीक है। और ये टॉप व्यू हो गया, अगर इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो इसको आपको इस तरीके से दिखेगा, ये आपका फेराइट है, नहीं सॉरी, ये आपका सीमेंटाइट है, ये वाला रॉड है सीमेंटाइट का, और आसपास एरिया क्या है, ये सब फेराइट है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन जैसे जैसे आप इसको जब हीट करते हो, गर्म करते हो, ठीक है, अब वो A3 लाइन, जैसे ही आप इसको हीट करते हो और गर्म करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे ऑस्टेनाइट बनना चालू होता है। देखो ऑस्टेनाइट कैसे बनता है, ये जो अंदर में जो सीमेंटाइट है ना, सीमेंटाइट छोटा सा, उस सीमेंटाइट का जो कार्बन है ना, वो रिलीज होता है। पहले सीमेंटाइट किस में रहेगा, Fe3C, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में है। जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो क्या होता है, ये जो कार्बन है ना, इस कंपाउंड को छोड़ के क्या होता है, वापस से किस में चला जाता है, आयरन के अंदर सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए चला जाता है कंपाउंड से निकल के। तो क्या होगा, ये जो सीमेंटाइट है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा, और उसके बदले आपको क्या बनने लगेगा, ऑस्टेनाइट बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन है ना, वो निकल के कहाँ जा रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या बना रहा है, आपका सीमेंटाइट बना रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ब्लैक कलर का जो एरिया दिख रहा है ना, वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि सीमेंटाइट, सॉरी, ऑस्टेनाइट बनना चालू हो गया है, ठीक है। इस कर्व में भी देखो, ऑस्टेनाइट बनना चालू हो गया, ऑस्टेनाइट कहाँ पर बन रहा है, और सीमेंटाइट के अगल बगल ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि सीमेंटाइट का कार्बन ही जो है वापस से डिजॉल्व होते जा रहा है, ठीक। तो वापस से डिजॉल्व हो रहा है, तो आपको क्या बन रहा है, ऑस्टेनाइट बन रहा है। अब धीरे जैसे आप टाइम बढ़ेगा, मतलब आप मेटल को होल्ड करके रखोगे उस टेम्परेचर को, है ना, उस टेम्परेचर में होल्ड करके रखोगे, तो ये जो ऑस्टेनाइट है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे आपका क्या होगा, सीमेंटाइट डिजॉल्व होगा, वैसे वैसे ही आपका ऑस्टेनाइट जो है वो बढ़ेगा ऐसे करके। तो अल्टीमेटली आपको पूरा परसेंट क्या मिल जाएगा, 100% ऑस्टेनाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप इसको उस टेम्परेचर में ले गए ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर में, और तुरंत आपका फेराइट और सीमेंटाइट तुरंत ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, उसको समय लगता है, ठीक है। कार्बन डिफ्यूज़ होता है, कार्बन अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तब जाके ऑस्टेनाइट बनता है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, मेटल को हाई टेम्परेचर में ले जाके होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि होल्ड कर रहे हो मतलब आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दे रहे हो, समय दे रहे हो, ठीक है। इसलिए होल्ड करके रखना पड़ता है ना। तो इस तरीके से आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होता है। और इसके उल्टा होता है, जब आप इसको जब गर्म से जब आप ठंडा करोगे तो यही प्रोसेस वापस से रिवर्स होगा, मतलब ऑस्टेनाइट बनने के बाद जब आप इसको ठंडा करते हो ना, तो ये प्रोसेस फिर रिवर्स होगा, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो ऑस्टेनाइट होगा, जैसे ये ऑस्टेनाइट है, तो ऑस्टेनाइट के ग्रेन बाउंड्रीज से ना सीमेंटाइट बनना चालू हो जाएगा। ऑस्टेनाइट से के ग्रेन बाउंड्रीज से क्या हो जाएगा, ग्रेन बाउंड्रीज से ही आपका सीमेंटाइट बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आसपास के कार्बन इकट्ठा होकर सीमेंटाइट बनाने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से ये सीमेंटाइट और फेराइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलता है। अब इस ग्राफ में आपको ये बताया गया है कि ना, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो आपका ऑस्टेनाइट जो बन रहा है, ऑस्टेनाइट बनने का जो रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना, देखो ये वाला देखो, आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ना, उतना ही जल्दी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे मैं मेटल को, मान लीजिए मेरे पास 3 सैंपल है, एक को मैंने 900 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया, है ना, एक को मैंने 850 में किया, और एक को मैंने 800 में किया, ठीक है। अब तीनों में मान लीजिए ऑस्टेनाइट बनना है, तो जिस सैंपल को मैं 900 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया ना, उसमें जल्दी से ऑस्टेनाइट बन जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और जो 800 डिग्री सेल्सियस वाले जो सैंपल होगा ना, उसमें ऑस्टेनाइट थोड़ा सा लेट से बनेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर कम दिया है, ठीक है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, जो ऑस्टेनाइट बनता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉर्मलाइजिंग का।
तो नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं भाई, मेटल स्टील को हीट करते हैं अराउंड 900 से 950 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसका टेम्परेचर का भी आपको ग्राफ बता दिया है, तो लगभग 900 से 950 डिग्री सेल्सियस में हम इसको हीट करते हैं, फिर सोकिंग करते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, हवा में ठंडा कर देते हैं, एयर कूलिंग कर देते हैं, मतलब फर्नेस इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, एयर कूलिंग हो जाता है। अब ये जो एयर कूलिंग है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है, तो आपको क्या मिलता है, फाइन पारलाइट मिलते हैं, ठीक है, फाइन पारलाइट और फेराइट मिलता है। फाइन क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए इनहेलिंग के समय में आप धीरे धीरे कूलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ग्रेन ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ग्रेन ग्रोथ हो जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग में आप क्या कर रहे हो, एयर कूलिंग कर रहे हो, मतलब जल्दी से ठंडा कर रहे हो, तो यहाँ पे ग्रेन ग्रोथ का टाइम मिल नहीं पाता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, फाइन ग्रेन्स मिलते हैं, ठीक है, ग्रेन्स का साइज़ यहाँ पे आपको छोटा मिलता है, ठीक है। तो ये जनरली नॉर्मलाइजिंग आपका यूज़ होता है ग्रेन साइज़ को छोटा करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, ग्रेन साइज़ को मेटल में अगर छोटा करना है तो हम उसका नॉर्मलाइजिंग ही ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चेंजेस आती है प्रॉपर्टी में, एनेलिंग से देखो, एनेलिंग जब हम करते हैं ना तो मेटल की स्ट्रेंथ एकदम कम हो जाता है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब मेटल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग से थोड़ा क्या होता है, मेटल में एकदम ज़्यादा स्ट्रेंथ में ड्रॉप नहीं आता है, ठीक है, और डक्टिलिटी भी एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ती है। नॉर्मलाइजिंग से आपको क्या मिलता है, सही स्ट्रेंथ और सही डक्टिलिटी मिलती है, ठीक है, मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं होता स्टील से। तो जनरली क्या होता है, मेटल को जब हमको यूज़ करना होता है ना, इसी मेटल को जनरली हम नॉर्मलाइजिंग के बाद यूज़ करते हैं, एनहेलिंग के बाद बहुत कम चांस है कि एनहेलिंग करके हम तुरंत उस मेटल को यूज़ कर लें, क्योंकि एनहेलिंग के बाद मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली हमको नॉर्मलाइजिंग करना पड़ता है ताकि मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि नॉर्मलाइजिंग से जो है स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, एनहेलिंग से स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया एनहेलिंग और नॉर्मलाइजिंग का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हार्डनिंग के बारे में, हम उसको हार्डनिंग के डिटेल से पढ़ेंगे, हार्डनिंग टेम्परिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये सारी चीज़ों के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।